दोस्तों, खुश आमदीद कहता हूँ तेरा कह रहे जवाब चैनल की जानिब से। दोस्तों, जिन लोगों ने OTS की जानिब से जो पेपर दिया है उसके हवाले से ये वीडियो उनके लिए है, और FIA का जिन लोगों ने पेपर दिया है उसका 19284 कोड है जी। आगे हम चलते हैं तो इस तरह के सवाल के इस पेपर के अंदर जिन लोगों ने FIA के पेपर देने हैं या देने होंगे तो किस तरह के पेपर जो है सवाल आते हैं वो हम देखेंगे, ताकि आप लोगों की रहनुमाई के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोग अच्छी तरीके से FIA के पेपर की तैयारी कर सकें। ठीक है जी, इस तरह के सवाल आते हैं। ये पोर्शन इंग्लिश और जनरल नॉलेज के हवाले से था। ठीक है जी, लास्ट पोर्शन जो है ये लास्ट पोर्शन से शुरू कर रहे हैं 100 से, तो इनमें से 20% जो मार्क्स थे वो FIA से रिलेटेड थे, ये उसका उससे रिलेटेड सवाल आए हुए थे। और इसी तरह से आप देख सकते हैं ये भी उसी से रिलेटेड हैं, और हमारे पास ये भी उसी से रिलेटेड आए हुए थे सवाल, आप देख सकते हैं जी। अकॉर्डिंग टू FIA रूल्स, सारे उन्हीं के रूल्स थे। जिन लोगों के अच्छे तरह से रूल्स आते हैं जिन लोगों को, वो तो अच्छी तरह से पेपर कर सकते हैं। इसी तरह से एक और पेपर है, एक और पेज है उसका, तो आप देख सकते हैं जी। ठीक है, ये सारा उसी से हवाले से है। हल नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ही टाइम शॉर्ट था मेरे पास। जो फर्स्ट टाइम पेपर था और जो सेकंड टाइम पेपर था और थोड़ा सा डिफरेंस था क्योंकि सवाल चेंज थे, वैसा तो नहीं होता। ये सिर्फ एक गाइडलाइन होती है कि आपको इस तरीके से पेपर जो है इस तरीके के सवाल आते हैं, लेकिन थे इसी तरह से, लेकिन वो डिफरेंट सवाल थे जो सेकंड टाइम थे। इसकी मज़ीद मैं जल्दी जवाब के साथ वीडियो बनाऊंगा, जो कि पूरे जो सवालों को हल करके वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह ज़रूर बना के ये वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर वीडियो जो मैं जब भी अपलोड करूं तो आपको बर वक्त मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये सवाल आए हुए थे, और इस तरीके से आगे चलते हैं। ठीक है जी, आप देख सकते हैं जी, क्वेश्चन में 1 से यहाँ से शुरू हो रहे थे। इंग्लिश का पोर्शन था, फिर इस्लामियत का पोर्शन आया, उसके बाद फिर जनरल साइंस का भी पोर्शन था, और इस तरह से करंट अफेयर का भी पोर्शन था थोड़ा बहुत। तो कहने का मतलब है कि पेपर जो फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम वाला और सेकंड टाइम वाला बहुत ही जो है आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा डिफरेंट नहीं था, बहुत मुश्किल डिफरेंट था। ये पैटर्न यही था लेकिन डिफरेंट काफ़ी था। ठीक है जी, आई होप मैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाई है मैंने। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो के साथ हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि इनको जो है सॉल्व करें पेपर को, और पार्ट वाइज जो है 10-10 सवालों के या 20-20 सवालों के पार्ट बनाकर अपलोड करें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सॉल्व चाहिए तो आप दोस्तों ज़रूर जो है आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और बेल आइकन को दबाना है, और कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मैं इनको सॉल्व करके बताऊं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इजाज़त चाहता हूं दोस्तों। प्लीज़ प्लीज़ लाइक, हक बनता है यार।